हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो यहाँ पे हमें एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम दिख रहा है, जो कि है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 इंटू dx अपॉन 4 cos² x प्लस 25 sin² x। तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा π/20। तो ये आएगा इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर। तो दोस्तों, मैंने ये आंसर कैसे फाइंड किया? तो मैंने इसके लिए कोई भी मैजिक नहीं किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया एक सिंपल सा ट्रिक। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। बट वो ट्रिक देखने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, ताकि आप कोई ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिस ना कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक है, अगर हमें सम दिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, जो कि है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 dx और अपॉन में a² cos² x प्लस b² sin² x, और यहाँ के a और b के आंसर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो क्या है हमारा फॉर्मेट? तो वो है, इंटीग्रेशन होना चाहिए फ्रॉम 0 to π/2, देन dx और अपॉन में होना चाहिए एक cos² x वाला टर्म और एक sin² x वाला टर्म, और यहाँ पे साइन होना चाहिए पॉजिटिव। तो चलिए अभी अप्लाई करते हैं ये ट्रिक हमारे इस सम में। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। देन यहाँ पे है dx और अपॉन में है एक cos² x वाला टर्म और एक sin² x वाला टर्म, देन यहाँ पे है पॉजिटिव साइन। तो इस कंडीशन में हम cos² x के कोएफिशिएंट को कंसीडर करेंगे a² और sin² x के कोएफिशिएंट को हम कंसीडर करेंगे b². तो हमारा a² का वैल्यू है 4 और b² का वैल्यू है 25। तो अगर हमारा a² है 4, तो हमारा a क्या बनेगा? तो हमारा a बनेगा इसका स्क्वायर रूट, जो कि है 2। तो अगर a² है 4, तो a बनेगा 2। सिमिलरली अगर b² है 25, तो हमारा b बनेगा 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। तो अभी इस ट्रिक के हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा? तो यहां पे आएगा ऊपर पाई और अपॉन में आएगा 2 into a into b। तो 2 into ये a into ये b, मतलब 2 into 2 into 5, तो वो बनेगा 5 into 2 10, और into ये 2 बनेगा 20। तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली π/20। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। देन हमारा नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ पे है dx और अपॉन में है 9 cos² x प्लस 49 sin² x। तो यहाँ पे हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या? तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 तक, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। देन सेकेंड, अपॉन में एक cos² x वाला टर्म भी है और एक sin² x वाला टर्म भी है, देन यहाँ पे है पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे हम हमारा वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के हिसाब से हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? तो चलिए आप भी गेस कीजिए। तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा पाई और अपॉन में 2 into a into b। सो 2 into, अगर हमारा a² है 9, तो हमारा a क्या आएगा? 3। और अगर हमारा b² है 49, तो हमारा b आएगा 7। सो यहाँ पे क्या आएगा? 2ab। सो 2 into 3 into 7, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? π/42। तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। देन हमारा नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ पे है dx और अपॉन में 36 sin² x प्लस 25 cos² x। तो इस न्यूमेरिकल में भी यहाँ पे इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to π/2, देन dx है न्यूमरेटर में और अपॉन में है एक sin² वाला टर्म और एक cos² वाला टर्म, और यहाँ पे है पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे भी हम हमारा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे ट्रिक के हिसाब से क्या क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पाई और अपॉन में आएगा 2 into a into b। तो यहाँ पे हमारा a² कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे इस सम में cos² का टर्म पहले था, जिसका कोएफिशिएंट होता है a². तो इस न्यूमेरिकल में cos² का टर्म कहाँ पे दिया है? सेकंड दिया है, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
तो कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ए स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर है 25 तो हमारा ए आएगा 5। और साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, तो वो होता है बी स्क्वायर। तो यहां पे बी स्क्वायर क्या है, 36। तो बी क्या बनेगा हमारा, 6। तो यहां पे आएगा 2 इंटू, ए मतलब आएगा 5 और बी मतलब आएगा 6। तो हमारे फॉर्मेट के हिसाब से यहां पे आएगा पाई अपॉन 2ab। तो ये सिंप्लीफाई करके आगे क्या बनेगा, तो ये बनेगा पाई अपॉन 60। तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक था जिसका यूज करके आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर 4 to 5 सेकेंड्स में फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कवर होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज का ट्रिक। तो अगर आपने हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाकी सारे ट्रिक्स नहीं देखे रहेंगे तो उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस ट्रिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, अगर आपको आज के इस वीडियो में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा, देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको आज का ट्रिक हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिस ना कर जाए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।